मल्लिका अर्जुन खड़गे ने लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर जमकर बरसे और कहा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। खड़गे ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 4 जून को बीजेपी की विदाई तय है। खड़गे ने कहा कि चौथे चरण के चुनाव के बाद गठबंधन मजबूत हुआ है। खड़गे ने कहा 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। जनता ने पीएम मोदी की विदाई तय कर दी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। 2024 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया है। महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई, जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र की बुनियाद डाली, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान लिखा। ये भाजपा के लोग इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत है। पहली बार RSS के नेता मोहन भागवत ने कहा था कि अगर हम आएंगे तो हम संविधान में बदलाव लाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा नेता संविधान बदलने की बातें करते ही रहते हैं, तो मुझे हैरानी होती है कि पीएम मोदी इस बार चुप क्यों बैठे रहते हैं। ये देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का विषय है, इस पर पीएम मोदी क्यों नहीं बोलते। 4 जून को किसकी सरकार बनेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि इस बार भाजपा की कोई लहर नहीं है। भाजपा इस बार कई राज्यों में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र से अभी तक कोई अच्छी खबर भाजपा के लिए नहीं है।